हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या ये पर्सन सुबह से आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस चीज को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना, अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। अथॉरिटी, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, रेस्ट एंड रिजुविनेट, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड, हार्ट अटैक एंड लॉस, डिसेप्शंस एंड एनवी, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्प्रेड गाइड, फेथ, फॉरगिवनेस, बिटर स्वीट, सोलमेट, क्रिएशन, इनसिक्योरिटी। व्यूअर्स, मैं पहले आपको यहाँ पे राशियाँ बता रही हूँ, हालांकि मैं टैरो से जब कार्ड्स निकालूंगी तब भी डिस्कस कर लूंगी। जैसे यहाँ पे हो गया आपका एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, अर्थ एलिमेंट टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, ये हो गया एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 7। मंथ यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अप्रैल, मार्च, जनवरी एंड जुलाई मंथ। देखिएगा व्यूअर्स, एक चीज आपको समझनी होगी कि आपके पार्टनर ना जो भी कर रहे हैं अपने आप से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी जिंदगी की अथॉरिटी, अपनी जिंदगी के राइट्स, अपनी जिंदगी के डिसीजंस मेकिंग पावर जो भी है वो किसी को सौंप रखी है, किसी ऐसे पर्सन को जिन पर ये बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, आंख बंद करके ये उन पर विश्वास करते हैं। अब ये कहो तो या तो उन्होंने अपनी परवरिश ऐसे करी, उनकी पावर ऐसी थी, उनका दर्जा इनकी जिंदगी में ऐसा था जिसके चलते इस इंसान ने आंख बंद करके उन पर विश्वास भी करा और आंख बंद करके इन्होंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने का हक भी दिया। ठीक है, यहाँ पर उसी रीजन के चलते इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ इन्होंने छोड़ दिया। ये चीजें इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा तकलीफ दे रही हैं, ये चीजें इन्हें तकलीफ में पहुंचा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी एक नई दुनिया क्रिएट होने से रह गई, इनका सपना पूरा होने से रह गया। इन्हें यहाँ पर इनके लक की वजह से, इनके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से इनका सोलमेट मिल गया था या मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने, क्योंकि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करा और उसके विश्वास को कायम रखने के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ना उचित समझा।
तो यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज को फील करते हैं, उस चीज को याद कर रहे हैं, क्या से क्या इनकी जिंदगी हो गई, क्या से क्या इनकी जिंदगी हो सकती थी, या इन सब के चलते इन्होंने आपका हाथ छोड़कर, आपका साथ छोड़कर आपको भी काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ पहुंचा दी, जिस चीज की शायद आपके पास इन्हें माफी भी नहीं मिलेगी अगर ये आपके सामने माफी मांगने भी पहुंचते हैं तो। तो ये सभी चीजें ना इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा लो फील करा रही है, ये चीजें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर दर्द भी दे रही है, तकलीफ में भी लेकर जा रही है, या यूं कहूँ तो कि इन्होंने क्या खोया अपनी जिंदगी से, इन्होंने क्या गवाया उस चीज का एहसास भी इन्हें करा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस इंसान को अच्छा नहीं लगता आपको किसी और के साथ देखते हुए, आपको अपने आप से दूर जाते हुए, ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या को डेवलप करती हैं, इनसिक्योरिटी को डेवलप करती हैं, और उसी के चलते आप से अगर ये बाई चांस बात कर रहे हैं फेसबुक पर, स्टेटस पर कोई स्टेटस भी लगा रहे हैं, तो वो बेसिकली इनकी वो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है, वो नाराज़गी है जो अपने आप से है, ठीक है। सो यहाँ पर इनकी नई सुबह के साथ यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने हाल ही फिलहाल में आपको किसी के साथ देखा, या आपको अपने आप में बिजी देखा, अपने आप से अपनी जिंदगी में खुश देखा, वो चीज़ें इन्हें ईर्ष्या भी फील कराई, इनसिक्योरिटी भी फील कराई, लेकिन यहाँ के भरोसे को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं आपके भरोसे को तोड़कर इन्होंने अपने ही आप को जख्मी कर लिया, वो एहसास यहाँ पर इस इंसान को इनकी नई सुबह के साथ हो रहा है। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये उस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कड़वा है, उस सच का घूंट पीने की कोशिश करी जा रही है इनके थ्रू, जो बहुत कड़वा, बहुत जहरीला है। वो सच है आपको अपने आप से दूर कर लेना किसी और एक के भरोसे को कायम रखने के लिए, आपका साथ छोड़ देना, अपने सोलमेट को अपने आप से दूर कर लेना, किसी और को अपनी जिंदगी के जो फैसले दिए हैं उसको बरकरार रखने के लिए। तो ये सभी चीजें ना इस इंसान के लिए व्यूअर्स आसान नहीं हो रही, पहले आपको यहाँ पर दिख रही हो कि इनके लिए कितना आसान रहा, कितना आसान हुआ आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना, आपसे दूर होना, लेकिन ये चीजें इनके लिए भी आसान नहीं हो पा रही हैं, बन पा रही हैं, वो चीजें यहाँ पर इस इंसान की नई सुबह के साथ इन्हें फील हो रही हैं। ये चाहते तो अपनी जिंदगी को ना और बेहतर कर सकते थे, और अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। चलिए और चीजें देखते हैं व्यूअर्स टैरो के माध्यम से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए इस अथॉरिटिव पर्सन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बनी डिवाइन। Five of Cups and Eight of Pentacles. तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट भी आ गया है व्यूअर्स, ठीक है। नंबर फाइव एंड एट इम्पॉर्टेंट है, मई और अगस्त मंथ। बेसिकली इन अथॉरिटी पर्सन को डेफिनेटली इस इंसान ने अपनी जिंदगी के सारे राइट्स दे रखे हैं, सारे डिसीजंस लेने का हक जरूर से दे रखा है, लेकिन अब ये पर्सन उन सभी राइट्स को देकर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि उनको अपनी जिंदगी के फैसले देकर इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, या सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खोया ही खोया, जिसकी माफ़ी ये खुद को भी नहीं दे पा रहे हैं। उस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत भी करी, और यही दिन की शुरुआत इन्हें आज दिन भर काफी डिस्टर्ब भी करी रही। यहाँ पर ये भी चीजें इनके साथ होती आ रही हैं व्यूअर्स की, अपनी तरफ से अपने आप को वर्क में काफी इंगेज करा जा रहा है, या इनके मन मुताबिक काम भी करा जा रहा है, लेकिन अब उस काम में भी करने का मन इनका नहीं लग पा रहा। जैसे कि होता है ना कि दिमाग में आपके उनको लेकर गुस्सा है, नाराजगी है, वो भरोसा आपका ब्रेक हो रहा है, तो कैसे भला आप उनके लिए काम कर पाओगे, या कैसे दिल से आप उनके लिए अपने दिल में वो फीलिंग्स रख पाओगे कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसे ही हालात मुझे इस इंसान के बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें अपनी जिंदगी का फैसला देकर कहीं ना कहीं इन्होंने
अपनी भूल तो करी ही करी, लेकिन उनकी बात मानकर इन्होंने आपको अपने आप से दूर भी कर लिया, अपने ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, सब पर काम करने की बजाय इन्हें अपनी जिंदगी से जाने दिया। उस चीज का अफसोस आज दिन भर इन्हें काफी हो रहा है। ठीक है, इनके हिसाब से आप जा चुके हो, इनके हिसाब से आप लौट कर नहीं आओगे, ये लौट कर नहीं आ पाएंगे। ये चीजें ज्यादा चल रही हैं, जैसे आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे हो, ये उम्मीद कर रहे हो कि इतना कुछ होने के बाद भी वापस आ सकते हैं, आ जाएंगे, आज आने की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। लेकिन इनके साथ ही हो रहा है कि ये वो चीजें ना नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, क्योंकि इनके आसपास तो वही लोग हैं जिन्होंने ये होने नहीं दिया, होते होते रोक दिया, तो इसी रीजन के चलते। ठीक है, फॉरगिवनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बनी सुबह से लेकर अब तक की, स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग में है, चांसेस बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर भी इन्होंने आपसे काफी दूरियां बना ली हो, और इवन आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये भी नहीं पता हो कि अब ये कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, तो इसके भी पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक इनके दिल में एक चीज ने ज्यादा घर करे रखी है कि भाई देखो आपके साथ तो पूरे भी हो पाए, आपके साथ एक अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हो पाए, अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू, अपनी कदर कर पाए, उस चीज से प्यार की, रिश्ते की, साथ की, हमदम की, उसकी कदर जान पाए। लेकिन उसके बाद जैसे आपसे दूर हो गए उनके कहने पर, तो उसके बाद अल्टीमेटली इनके पास इन्हें जो भी मिला उससे इन्हें कभी भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाई, नहीं पहुंच पाई, सब चीजें जैसे मानो ने कम ही नजर आई या कम ही इन्हें महसूस हुई, वो चीजें यहाँ पर इनके दिल में चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर आपका साथ नहीं छूटा, आपके साथ का रिश्ता नहीं छूटा, अल्टीमेटली यहाँ पर इन्होंने अपने आप को किस तरह से अधूरा कर लिया, किस तरह से अपने आप से अधूरे हो गए, वो चीजें इनके दिल में यहाँ पर काफी चल रही हैं। बिटर स्वीट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी है, स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, बहुत कंपैरिजंस वाली एनर्जीज यहाँ पर है। देखो यहाँ पर भी हाथ इनका नीचे है और वहां पे भी इनके हाथ नीचे हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये आज में है वहां पर देने से इन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा, या वहां पर देने के बदले में इन्हें कहीं ना कहीं वो शांति नहीं मिल पा रही है जो देने के बाद अक्सर होती है। और जब ये आपके साथ थे तो इनका हाथ तब भी नीचे था, तब भी ये देते थे, तब कम से कम इन्हें बदले में आपकी तरफ से सुकून मिल पाता था, भरोसा मिल पाता था, नई शुरुआत की इच्छा मन में इनके जागती थी, कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ बेहतर आएगा, वो सभी चीजें इनके दिल में जैसे मानो एक जोश, एक जुनून भरती थी। लेकिन यहाँ देने के बाद एक तरह से बस इनके मन में ये चीजें ज्यादा हावी होती है कि बस ये यहाँ पर देते आए हैं, देते रहेंगे, और अल्टीमेटली बदले में ये किसी तरह की कोई उम्मीद ना तो कर सकते हैं और ना करेंगे, वो चीजें यहाँ पर इस इंसान के दिल में इनकी नई सुबह के साथ चल रही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ ये ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर ये तो डेफिनेटली दे रहे हैं और देते भी आएंगे, लेकिन बदले में ना तो ये उम्मीद कर सकते हैं और ना ही कभी इनकी उम्मीद पूरी होगी, वो चीजें इनके दिल में चल रही हैं और यहाँ पर वो चीजें मिलती थी। तो वही चीज है ना कि सच जो होता है वो कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच तो सच है ना, और सच उस कड़वे घूंट को पीना पड़ेगा, पीना पड़ रहा है, वो स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मैंने बोला ना कि जैसे आपके साथ थे या आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उम्मीद रख रहे हो, रखने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं रख पा रहे, क्योंकि इनके पास ना ऐसे लोग नहीं है जो उम्मीद रखते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, जिस इंसान ने उम्मीद कर ली, भरोसा कर लिया, उसकी जीत है, उसने अपने आप से भी अपने आप को जिता लिया। लेकिन जिस इंसान के पास उम्मीद भी नहीं है ना, वो तो अपने आप में ही हार गया, हार बैठा या हार बैठी, तो वो स्थिति मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है।
सोलमेट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए रिवाइन। डेथ एंड नाइन ऑफ पेंट्स, चांसेस ये बन रहे हैं आपने ना कहीं इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, आपने इनके लिए यहाँ पर अपनी तरफ से रास्ते बंद कर दिए और वही चीजें इस इंसान को और तकलीफ दे रही हैं। पहले शुरुआत इन्होंने करी हो, ब्लॉक इन्होंने मारा हो, नंबर इन्होंने चेंज करा हो, चीजें इन्होंने वर्स्ट करनी शुरू करी हो या खत्म हो गया, खत्म कर देंगे, इस तरह की बातों का सिलसिला इन्होंने शुरू करा हो। लेकिन जब इन्हें यहाँ पर अपने आज में अपनी चीजें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये उन्हीं खत्म हुई हुई चीजों को फिर से खुरेदने की, खोलने की जब कोशिश कर रहे हैं ना, तो इन्हें उधर से रास्ते बंद नजर आए हैं। तभी यहाँ पर जो रही सही उम्मीद भी थी इनकी, उस पर इनको पानी फिरता हुआ नजर आया, वो उम्मीद इन्हें इनकी टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। और इसी रीजन के चलते इस इंसान के लिए एक ऐसी सिचुएशंस बनी जैसे मानो कि पैरों के नीचे से इनसे जमीन छीन ली है, वो जमीन जिस पर ये अभी तक कहीं ना कहीं राज करते आए थे या ऐसा फील करते आए थे कि जमीन तो इनकी है, भले उसके ऊपर मकान किसी और का भी हो लेकिन जमीन के मालिक तो ये है। तो ऐसा कुछ इनके साथ यहाँ पर इनकी नई सुबह में व्यूअर्स हो रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखी, क्रिएशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग में दिख रहे हैं आपको, लेकर कुछ चीज़ें इन्हें ऐसी पता चली हैं जो इनके तन बदन में आग लगा गई हैं, गुस्सा क्रिएट कर गई हैं, आपको लेकर जेलेसी भी फील करा गई हैं इनसिक्योरिटी की वजह से इनकी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें अपने हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनके बिगड़ते हुए हालात इन्हें आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपके साथ एक नए सफर पर चलने के लिए, इस रिश्ते में फिर से चीज़ों को रिक्रिएट करने के लिए बोल रही हैं, ठीक है। अगर ये इस सिचुएशन से एक्चुअली में बाहर निकलना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्हें उधर की तरफ से, आपकी तरफ से दरवाजे बंद होते हुए उसमें ताला लगता हुआ नजर आया है, इसी रीजन के चलते इनकी इनसिक्योरिटी ने इन्हें काफी एग्रेशन में भी पहुंचाया है। तो ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा आपसे इसी रीजन के चलते गुस्सा भी है। यानी कि देखो क्या कहानी है, जब ये खुद मूव कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब आपने यहाँ पर खुद उठकर चलना शुरू करा तो यहाँ पर इस इंसान को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। जब जब आपने उठ उठ कर चलने की कोशिश करी तब तब अपनी इनसिक्योरिटी के चलते इस इंसान ने वो हरकतें करी जिसके बाद आपको फिर से उठकर चलने में तकलीफ महसूस हुई है। तो यहाँ पर ओवरऑल इनके साथ यही चीजें हैं कि इनके दिल में जब अपने हालात बिगड़ते हुए दिखे तो इनको कहीं ना कहीं अपनी जगह चेंज करने का ख्याल आया, नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने का ख्याल आया और वो शुरुआत आपके साथ करी जाए क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो। लेकिन अब की बार क्योंकि आप अवेलेबल नहीं रहे हो या नहीं इन्हें दिखाई दिए हो या नहीं होंगे उस तरह से प्रतीत हुए हो, उसी रीजन के चलते थोड़ा सा दिमाग इनका इनके कंट्रोल से बाहर गया है, ये चीजें यहाँ पर है मैं देख रही हूँ। इसी चीज के चलते आपसे कहना क्या चाह रहे हैं इनके मैसेजेस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीजों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, गाइड कीजिए। आई कैप्ट द टेक्स्ट, कहना चाह रहे हैं इन्होंने आपके जो मैसेजेस है ना वो अभी भी संभाल कर रख रखे हैं, जिसमें हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला हो कि आप इनके लिए रुकोगे। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये चीजें मैंने आपको बोली, किस चीज में फर्क कर पा रहे हैं कि आपकी मौजूदगी ने इनकी जिंदगी को अपसाइड पहुंचाया लेकिन आपकी अब्सेंस ने इनकी जिंदगी को उसी अपसाइड से एकदम से नीचे भी लाकर पटक दिया। तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। अब ये उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां जान पा रहे हैं कि बिना एक्शंस लिए आप इनके लॉयल्टी पर शक करोगे, इनके प्यार पर शक करोगे और वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं।
आई डोंट वॉन्ट हाइड दिस लव, और अब नहीं चाहते अपने इस प्यार को छुपाना जिसको ये छुपाते आए हैं। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, क्योंकि एक्चुअली में इनके लिए आपसे मूव ऑन करना डिफिकल्ट हो रहा है। एंड आई स्टॉक यू, मैंने आपको बोला, इन्होंने आपको ना आज कहीं तो देखा है, किसी के साथ देखा है, चाहे सोशल मीडिया पर देखा हो, किसी फ्रेंड की आईडी पर आपका कोई फोटो देखा हो, जो कहीं ना कहीं इनकी उस इनसिक्योरिटी को जगा गया जो काफी वक्त से सोई पड़ी थी। चलिए, इन सभी चीजों के चलते आपसे एंजल्स क्या कहना चाह रही है। मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख रही हूँ। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीजों के चलते डिवाइन मेरे व्यूअर्स को किस तरह से गाइड करना चाह रही है। स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए, बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आस्क योर एंजल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, डोंट स्टॉप। देखो, आपसे ना आपके आर्केंजल्स, आपके पितृदेव या आपके डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपसे बोल रहे हैं किसी की मत सुनो, बस सुनो तो अपने इंट्यूशंस की। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाता, तो सुनो तो सिर्फ अपने उस एंजल्स की, उस पितृ उनकी जिनको आप मानते हो। और वो आपसे ये बोल रहे हैं कि कम से कम अगले कुछ महीने आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, आपको बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना अगले कुछ महीने तो स्पेशली, क्योंकि अभी का आपका रुकना आपके वक्त को बर्बाद कर रहा है, आपके वक्त को यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके हाथों से रेत की तरह फिसलते हुए आपको दिखेगा। तो आपसे बोला जा रहा है कुछ महीनों के लिए आपको मूव करना है, चलते चलना है जिस भी रास्ते पर आप अपने आज में हो, और उस रास्ते पर आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बिना नेगेटिव हुए, बिना अपने इंट्यूशंस को सुने आपको उस रास्ते पर नहीं चलना, ये आपके आर्केंजल्स बोल रहे हैं। और अगर आप इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इतने कामयाब नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशंस में डेफिनेटली आपको आपके उन सवालों का जवाब मिलेगा जिनके जवाब आप कहीं और ढूंढ रहे हो। तो उन सवालों के जवाब आपके खुद के भीतर हैं, ऐसा आपसे आपके एंजल्स बोल रहे हैं। यानी कि जो लोग पूछते हैं ना कि मैम हम क्या करें, वेट करें, मूव ऑन करें, तो आपसे बोला जा रहा है वेट मूव ऑन का तो यहाँ पर मसला ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है, चाहे कछुए की चाल चलो लेकिन चलते रहना है, जो आपको उस स्टेज पर पहुंचाएगा कि कल को अगर चीजें आपके फेवर में नहीं होती तो आप रुके नहीं थे, और अगर कल को चीजें आपके फेवर में हुई थी तो आप इतना आगे बढ़े नहीं थे। तो ऐसी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है। काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी स्पेशली गाइडेंस रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ, अपने आप को कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए सभी लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।